अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो ये खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मोदी सरकार ने होली से पहले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दे दिया है। दरअसल ईपीएफओ ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ डिपॉजिट पर पहले के मुकाबले कम ब्याज मिलेगा। साल 2020 के लिए पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज दर को 15 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.5% कर दिया गया है, जो पहले 8.65% था। इस कटौती की संभावना पहले ही जताई जा चुकी थी। इसके पीछे ईपीएफओ के निवेश पर रिटर्न कम रहना एक बड़ा कारण हो सकता है। आज इस मुद्दे पर ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बैठक में यह फैसला किया। आपको बता दें कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी ही पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला लेता है और इस फैसले को वित्त मंत्रालय की सहमति की जरूरत होती है। ईपीएफओ अपने एनुअल एरियल्स का 85% हिस्सा डेट मार्केट में और 15% हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए इक्विटीज में लगाता है। पिछले साल मार्च के अंत में इक्विटीज में ईपीएफओ का कुल निवेश 74,324 करोड़ रुपए था और उसे 14.74% का रिटर्न मिला था। हालांकि सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि पीएफ पर ब्याज दर घटने से कर्मचारियों का सेंटिमेंट खराब होगा, क्योंकि अब उन्हें कम मुनाफा मिलेगा। ईपीएफओ पर ब्याज दर एक बड़ी सेंटीमेंट बूस्टर रही है। इसमें अभी कोई भी कमी एम्प्लॉय सेंटीमेंट को और खराब कर सकती है। लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता वाला बोर्ड ईपीएफओ में फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कब और कितनी ब्याज दरें रही। वित्त वर्ष 2013-14 में ब्याज दर 8.7% रही, तो वही वित्त वर्ष 2014-15 में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ और ब्याज दर 8.75% ही रही। वित्त वर्ष 2015-16 में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ ब्याज दर 8.80% हो गई। वहीं वित्त वर्ष 2016-17 में 8.65%, वित्त वर्ष 2017-18 में ब्याज दर घटकर 8.55% हो गई, वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65% और अब वित्त वर्ष 2019-20 में ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट की कमी करके 8.50% कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें से करीब 4,500 करोड़ रुपए डीएचएफएल और आईएलएफएस में लगाए गए हैं। इन दोनों को ही भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएचएफएल जहां बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है, वहीं आईएलएफएस को बचाने के लिए सरकारी निगरानी में काम चल रहा है। ईपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है। इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से भी जमा होता है। हालांकि कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बट जाता है। इसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है, वहीं बाकी का हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भले ही पीएफ पर पिछले साल से कम ब्याज मिलेगा, लेकिन कई बातें हैं जो इसे फायदे का फंड बनाती हैं। निवेश के लिए पीएफ दूसरी स्मॉल सेविंग्स के मुकाबले काफी बढ़िया है। पीएफ और उस पर मिलने वाला ब्याज एकदम टैक्स फ्री है। पीएफ पर 6 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। इतना ही नहीं, आप यह पैसा मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही इस फंड में ज्यादा रिटर्न की भी संभावना होती है। तो है ना पीएफ आपके लिए फायदे की चीज़।